जी अभी एक सड़क हादसा जो है वो एक नई बस्ती रोड पर पेश आया है। तस्वीरें इस समय की हम आपको लाइव बता रहे हैं। बड़ा भयानक और भीषण सड़क हादसा यहाँ पर जो है वो भी पेश आया है। फिलहाल लोग इस समय यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अभी तक इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने लोग इसमें घायल हैं और कितने लोग इसमें सवार थे। कितने बंदे बस एक कुड़ी पूरे बड़ी तेज से सारे बोल रहे हैं, बड़ी तेज से नहीं आ रहे थे नॉर्मली। पीछे रेड लाइट ऑन हुई ना जैसे ग्रीन लाइट वैसे ये निकले वहाँ से, तो वैसे आगे साइकिल वाला आ रहा था से रॉन्ग टर्न ले रहे हैं वो इनर राइट टर्न पे चल रहा है। ये भी शुरुआत में कहा गया कुछ ड्रिंक हुई है आपने? एक लड़की थी वो उसको लगी हुई उसको हॉस्पिटल लेके गई, वो लड़की गाड़ी के अंदर थी, गाड़ी के अंदर थी उसको लगी हुई है उसको हॉस्पिटल लेके गया। लोग सवार थे भैया इसमें? देखिए फिलहाल इनका कहना है कि गाड़ी जो है वो धीमी थी, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि गाड़ी जो है वो काफ़ी तेज़ थी। और कारण क्या रहे हैं हादसे के, इनका कहना है कि साइकिल वाला सामने आया तो उसके बाद ये हादसा हुआ। गाड़ी का नंबर JK02DK9004 इस गाड़ी का नंबर है। सवार थी इसमें और अभी वो फिलहाल उन्हें उपचार के लिए लेकर जाया गया है, लेकिन आप देखते हैं कि कितना जोरदार यह सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सड़क हादसा जो है वो ठीक नई बस्ती रोड पर पेश आया। जब आप सतवारी की ओर जाते हैं तो उस साइड ये सड़क हादसा पेश आया है, जहां पर एक गाड़ी जो कि हिट हुई है डिवाइडर के साथ, स्कॉर्पियो गाड़ी JK02DK9004 इस गाड़ी का नंबर है। और अब फिलहाल ट्रैफिक भी क्लियर कराया जा रहा है, जल्दी से जल्द ट्रैफिक जो है वो यहाँ से क्लियर हो, लेकिन काफ़ी भीषण सड़क हादसा जो है वो यहाँ पर आज देखने को मिला है। आप समझ सकते हैं कि कितनी जोरदार टक्कर जो है वो इस गाड़ी की हुई है। फिलहाल जो इस गाड़ी में लोग थे वो ठीक हैं, वो सेफ हैं, ज़्यादा चोटें उनको नहीं आई हैं, लेकिन
लेकिन ये हादसा जो है वो नई बस्ती रोड पर पेश आया, जहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रण हो गई। इनका कहना है कि आगे से साइकिल आया और साइकिल वाले ने जब इनको कट किया तो इन्होंने उसको बचाने के लिए यहां पर जो है वो हिट किया। अब कितनी तेज़ रफ्तार थी इस गाड़ी की, तो फिलहाल वही चला रहे थे जो जानते हैं, यहाँ के लोग कह रहे थे कि काफ़ी तेज़ था, लेकिन बच गए हैं जो इसमें सवार थे। इसमें गिफ्टी बताई जा रही है और एक युवक इसमें सवार था।